नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पेपर की ऑफिशियल आंसर की। ये पेपर अभी रिसेंटली 2 जुलाई को एम्स जोधपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इसमें से हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो आप प्रीवियस पार्ट के अंदर देख सकते हैं। आज जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन बच गए हैं वो हम कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। अलग अलग एम्स से भी SNO की वैकेंसी आ रखी है, तो जो भी SNO की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी इस पेपर को अच्छे से याद कर लें, अच्छे से ज़रूर देख लें। और जो एम्स NORSET की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस पेपर को अच्छे से देखें, अच्छे से याद करें। BFUHS के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो वो लोग भी इस पेपर को अच्छे से याद ज़रूर कर लें। दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए हम फटाफट से इस रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन है उनको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया कैटेगरी फर्स्ट ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड बाय। जो अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरी फर्स्ट है उसके अंदर जो वेस्ट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। इतनी कहानी आपको एग्जामिनर ने बता दी है। अब आपको ये पूछे जा रहे हैं जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है उनको किस में डिस्पोज करते हैं या फिर इनको ट्रीट करने का मेथड कौन सा है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड। इस प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको राइट आंसर क्या करना है, इंसिनरेशन। हो सकता है जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इन ऑप्शंस को सारे ऑप्शंस को तो पढ़ना ही है, लेकिन ये ऑप्शंस ना देखें, सिर्फ सिंपल से नाम आपको दे दे, लैंडफिल्स दे दे आपको, केमिकल ट्रीटमेंट दे दे, ऑटोक्लेव दे दे, तो इस प्रकार से ऑप्शंस तो चेंज हो सकते हैं लेकिन आंसर कभी भी इसका चेंज नहीं होगा, आंसर इंसिनरेशन ही होगा। इसलिए आप क्वेश्चंस और ऑप्शंस को अच्छे से ज़रूर पढ़ना और जो आंसर है उसको आप ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेन वेंटिलेशन एक्सीड्स परफ्यूजन इट लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए वेंटिलेशन की वजह से क्या हुआ है, एक्सीड परफ्यूजन हुआ है, परफ्यूजन बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, डेड स्पेस। जिस स्पेस में परफ्यूजन बढ़ा है वेंटिलेशन की वजह से वो स्पेस कैसा हो जाएगा, डेड स्पेस हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ए किडनी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द ग्लोमेरुलाई, इट इज़ यूजुअली करेक्टराइज्ड बाय एडिमा, हाइपरटेंशन एंड। देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, किडनी का एक डिसऑर्डर है और किडनी के डिसऑर्डर में भी ग्लोमेरुलाई को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो सारी चीज़ें आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में बता दी। अब आपको ये भी बता दिया कि अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसी पर्सन को होता है तो ये करेक्टरिस्टिक कौन से, एडिमा एंड हाइपरटेंशन, ये तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ एक और कौन सा सिम्टम या फिर करेक्टरिस्टिक होगा जो इस पेशेंट में देखने को मिलेगा वो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फोर्थ, हीमेचूरिया, यूरिन के साथ में ब्लड जो है वो देखने को मिलेगा और वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट्स कोलेबोरेटिवली सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दिस रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंस, वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज। देखिए जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है स्टूडेंट्स के लिए, उनमें जो भी लर्निंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो भी उनके एक्सपीरियंस होते हैं उनसे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व आउट कर लेते हैं अपना एक दूसरे से सामंजस्य बना के। अब आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि वन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, इनमें कौन सा वो कंपोनेंट है जो इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन और प्रॉब्लम फ्रॉम ऑर्डिनरी लाइफ। जो भी लाइफ के अंदर जो भी कंडीशंस या फिर सिचुएशंस डेवलप हो रही है उनसे रिगार्डिंग अगर हम प्रेजेंटेशन दें या फिर एग्जांपल देके किसी बच्चे को या फिर किन्हीं भी स्टूडेंट्स को अगर हम कुछ भी बताते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो है उनकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व आउट हो जाती है। या फिर रियल वर्ल्ड की सिचुएशन जो भी एनवायरमेंट के अंदर हो रहा है या फिर वर्ल्ड के अंदर जो भी सिचुएशंस अराइज हो रही है उनके प्रेजेंटेशन देकर हम जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड ग्रुप इज इंडिविजुअल आर डिफरेंट ड्यू टू स्पेसिफिक। देखिए हर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप अलग होता है, ऐसा नहीं है कि मदर एंड फादर का अगर ब्लड ग्रुप ए और बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए या फिर बी या फिर ए बी होगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन का अलग अलग जो है ब्लड ग्रुप होता है, उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, यही तो आपको पूछा गया है।
आरबीसी के ऊपर होता है एंटीजन, आरबीसी के ऊपर क्या होता है एंटीजन, और उस एंटीजन की वजह से हर एक पर्सन का क्या होता है ब्लड ग्रुप चेंज होता है, चाहे वो मदर और बेबी, जो फिर मदर और बेबी है उनका जो ब्लड ग्रुप है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। मदर फादर एंड बेबी उनका ब्लड ग्रुप सेम भी हो सकता है और जो है डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा मदर हो चाहे फादर हो चाहे फिर बेबी हो, सभी का जो ब्लड ग्रुप्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ही होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है और उस एंटीजन की वजह से हर एक पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होता है अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेंजिमिडाजोल यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन इज, देखिए बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे बेंजिमिडाजोल ऑप्शन या फिर मतलब सॉरी क्वेश्चन देख के एंटीफंगल आपने कर दिया होगा कि एंटीफंगल ड्रग है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, वैसे क्वेश्चन में अच्छे से साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बेंजिमिडाजोल है वो यूज़ लेते हैं किसके लिए, पैरासाइटिक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। पैरासाइटिक इन्फेक्शन का मतलब होगा जो भी एंटी हेलमेंथिक्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए बेंजिमिडाजोल जो है वो यूज़ ली जाती है। हालांकि एंटीफंगल के अंदर भी जोल आता है लास्ट में, जैसे इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये सारे के सारे एंटीफंगल्स हैं, लेकिन जो जोल है वो एंटी हेलमेंथिक्स के अंदर भी आता है। आपने पढ़ा होगा अच्छे से एलबेंडाजोल, जिससे सवाल पूछे जाते हैं बार बार, मेबेंडाजोल आपने पढ़ा होगा, एक ऑप्शन और देख लीजिए यहाँ पे बेंजिमिडाजोल, इस प्रकार से जो भी ये क्या है एंटी हेलमेंथिक्स है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमेंथिक्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का एक आपको इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल बताना था, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, When delegating, you must transfer authority. Delegating, अगर आप principle अपनाते हैं तो जो भी authority है उसको आप transfer कर सकते हैं। Next question देखिएगा, Which of the following statement is incorrect with respect to portal vein? Portal vein के regarding कौन सा एक statement क्या है incorrect है, तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा option second, portal vein is rich in oxygen. रिच इन ऑक्सीजन, ये एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे के सारे जो तीन स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं तीनों के तीनों क्या है सही है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो पोर्टल वेन है इसका एक करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछ ले और इनमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाए, इसलिए आप हर एक ऑप्शन को अच्छे से ज़रूर पढ़ते जाइएगा और जो आंसर है उसको आप अच्छे से याद ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई गई है और ये पिक्चर है वेंचुरी मास्क की। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिए, ए पेशेंट विथ सीओपीडी है, वैसे यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक इनसे हो गई है, सीओपीडी हैज़ टू बी पुट ऑन ऑक्सीजन यूजिंग ए फेस मास्क, देखिए पेशेंट है सीओपीडी का और उस पर्सन को ऑक्सीजन दे रहे हैं फेस मास्क के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मास्क शोन बाय द पिक्चर अबाउ, जो आपको पिक्चर दिखाई गई है ये मास्क किस टाइप का मास्क है ये आपको बताना था, तो ये मैंने आपको बता दिया है वेंचुरी मास्क, तो यहाँ पे ऑप्शन जो फोर्थ है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा वेंचुरी मास्क। सीओपीडी के पेशेंट्स को जो भी ऑक्सीजन दी जाती है वो वेंचुरी मास्क के द्वारा ही दी जाती है, ये फिक्स ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करता है, इसलिए वेंचुरी मास्क सीओपीडी पेशेंट्स के लिए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाटर हैमर पल्स इज सीन इन, ये सवाल राजस्थान सीएचओ में अभी पूछा गया था रिसेंटली, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान सीएचओ का और अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जब भी होगा हम बता देंगे। फिलहाल ये सवाल देखिए, वाटर हैमर पल्स ये कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, ये आपको सिंपली सवाल पूछा गया था, राजस्थान सीएचओ में भी ये सवाल आया था, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, एओर्टिक रीगर्जिटेशन, एओर्टिक रीगर्जिटेशन में वाटर हैमर पल्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर्स एंड नर्स हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट एंड देयर रिलेटिव्स हैव अपॉर्चुनिटीज फॉर मच इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन, देखिए डॉक्टर्स और जो नर्सेज होती है वो पेशेंट्स हैं और पेशेंट के जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होती है, तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं और जो नर्सेज होती है वो सभी क्या करते हैं कि जो भी पर्सन्स होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं और उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको इंडिविजुअली हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब आपको यहाँ पे सिंपली सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो आप इंडिविजुअली हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं इसका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है, इसका बिगेस्ट एडवांटेज आपको बताना था, यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, वी कैन डिस्कस एड्स आर्ग्यू एंड प्रोसीड
द इंडिविजुअल टू चेंज हिज बिहेवियर, मतलब जो भी इंडिविजुअल्स है, जो पेशेंट है या फिर उनके रिलेटिव्स है, वो अपने बिहेवियर को कैसे क्या चेंज कर सकते हैं उसके बारे में उनको हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, साथ ही साथ उनके कोई भी डाउट्स होते हैं तो उनको वहाँ पर सॉल्व भी किया जा सकता है। तो ये क्या है कि बेस्ट या फिर बिगेस्ट एडवांटेज है इंडिविजुअल्स को जो भी हेल्थ एजुकेशन दी जाती है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे एक लैब रिपोर्ट दे रखी है। देखिए क्या रिपोर्ट है, एक पेशेंट है जिसकी लैब रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से है, pH 7.12, HCO3 1 mmol पर लीटर, pCO2 18 mmHg। तो देखिए यहाँ पर सवाल जो पूछा जा रहा है वो एसिड बेस बैलेंस का है। एसिड बेस बैलेंस में आपने पढ़ा होगा रोम, और वैसे मैंने आपको एसिड बेस बैलेंस बहुत पहले पढ़ा रखा है, वहाँ पे अच्छे से समझा भी रखा है। देखिए रोम, रोम का मतलब रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, ठीक है, सुन लिया आपने, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। तो देखिए रेस्पिरेटरी अपोजिट होता है मतलब पीएच अगर बढ़ रही है तो CO2 जो है वो कम होगा, HCO3 भी कम हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी तो अपोजिट होते हैं लेकिन मेटाबॉलिक में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर पीएच गिर रही है तो HCO3 एंड pCO2 भी डिक्रीज ही होगा, और अगर इंक्रीज हो रही है पीएच तो ये दोनों भी इंक्रीज होंगे। लेकिन रेस्पिरेटरी में अगर पीएच डिक्रीज हो रही है तो ये दोनों इंक्रीज होंगे, और अगर पीएच इंक्रीज हो रही है तो ये दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। मतलब रेस्पिरेटरी अपोजिट होता है और मेटाबॉलिक इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब क्या है, एसिडोसिस, एसिडोसिस। अब देखिए यहाँ पे pCO2 ये भी क्या है, डिक्रीज है, मतलब ये हो गया, HCO3 जो है ये भी क्या है, डिक्रीज है। तो ये क्या हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यही तो पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर। तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या करना है, ऑप्शन सेकंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज इन द स्टेज ऑफ चेंज मॉडल। जो चेंज मॉडल है इसकी स्टेज में इनमें से कौन सी एक स्टेज आती है, ये आपको पूछा गया था। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन एक स्टेज है चेंज मॉडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन आपको सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ। एक पर्सन है जिसकी उम्र है 54 साल, और वो पर्सन जो है वो मेडिकल इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, और वो कंप्लेन कर रहा है या फिर उसको दिक्कत है पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया की। मतलब ये दोनों वर्ड देख के ये तो पता चल गया आपको कि पर्सन किसका है, डायबिटीज़ मेलाइटस का। अब देखिए आगे आपको क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, देखिए ही ऑल्सो कंप्लेन, और ये जो पर्सन है वो कंप्लेन भी कर रहा है कि मेरे को हेडेक हो रहा है, मेलाइज़ बिल्कुल डल शरीर हो रखा है, एंड सम विजुअल चेंजेस, और मेरे को दिखने में भी थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है। तो ऐसे कंप्लेन उस पर्सन ने आपको कर दी है। अब आपने क्या किया, असेसमेंट किया, एज नर्स आप क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। तो इस पर्सन में डिहाइड्रेशन के साइन भी आपको देखने को मिल रहे हैं और कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए क्या बोला इन्होंने, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं, साइन सिम्टम्स एंड कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल यहाँ से बनता है कि जो एडिशनल सिम्टम आपने देखा है वो क्या देखा है। देखिए आगे देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं पूरा। द नर्स रिपोर्ट टू द फिजिशियन दैट द पेशेंट मे हैव डायबिटिक केटोएसिडोसिस। नर्स ने क्या किया, असेसमेंट किया, पेशेंट की कंप्लेन सुनी, उसके बाद में जो एडिशनल सिम्टम्स है वो आपने देखे, इसके बाद में आपने कहा फिजिशियन को इस पेशेंट को क्या है, DKA की प्रॉब्लम है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस हो रखा है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल सिम्टम माइट टू द नर्स हैव नोटेड। नर्स ने वो कौन सा एडिशनल सिम्टम देखा होगा जिसके देख के या फिर जिसको नोट करने के बाद में फिजिशियन को ये बताया होगा कि इस पर्सन को क्या है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस हो रखा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, ये डायबिटिक केटोएसिडोसिस के अंदर देखने को मिलता है सिम्टम, को स्मॉल रेस्पिरेशन विथ फ्रूटी ऑर्डर ऑन द ब्रीथ। ब्रीथ के दौरान फ्रूटी ऑर्डर आपने वहाँ पे देखी, साथ ही साथ कुछ स्मॉल रेस्पिरेशंस आपने उस पर्सन के अंदर देखी। ये क्या थे, आपके एडिशनल सिम्टम थे जो आपने इस पर्सन के अंदर देखे, और आपने फिजिशियन को ये बताया कि इस पर्सन को क्या है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू WHO द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ TB इन कम्युनिटीज विद हाई इंसिडेंस इज बाई क्योरिंग इट। द बेस्ट क्यूरेटिव मेथड फॉर TB इज नॉन एज डॉट्स, वन ऑफ द इट्स कंपोनेंट इज। देखिए WHO के अकॉर्डिंग मोस्ट जो कॉस्ट इफेक्टिव वे है जो कि यूज़ कर रहे हैं, और वो है डॉट्स, यानी कि जो TB है उसको कम्युनिटीज़ में स्प्रेड आउट होने से स्टॉप कर रहे हैं, इसकी जो हाई इंसिडेंस पावर है उसको ठीक कर रहे हैं, मतलब क्योर कर रहे हैं ताकि लोगों में ज़्यादा ना फैले।
देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, द बेस्ट क्यूरेटिव जो मेथड, ये जो मेथड यूज़ कर रहे हैं क्यूरेटिव मेथड, ये टीबी का क्या कहलाता है, डॉट्स कहलाता है। अब आपको आगे देखिए क्या पूछा है, वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इज, इसका और एक कौन सा कंपोनेंट है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, कैश डिटेक्शन बाय स्पुटम स्मियर माइक्रोस्कोपी, मतलब जो माइक्रोस्कोपी है इससे स्पुटम टेस्ट किया जाता है और जो भी केस है उनको डिटेक्ट किए जाते हैं। इस डॉट्स जैसे ही केस फाइंड आउट होता है, पॉजिटिव आता है, तो उसके डॉट्स जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। मतलब ये भी एक कंपोनेंट है जिससे हम टीबी को स्प्रेड आउट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए फिजिशियन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड टैबलेट एटेनोलॉल 25 mg फॉर ए पेशेंट, एक पेशेंट है जिसको फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है एटेनोलॉल 25 mg, ये प्रिस्क्राइब कर दिए। अब आपको पता है कि एटेनोलॉल किसकी ड्रग है, हाइपरटेंशन, मतलब हाइपरटेंशन अगर पर्सन को हो रखा है तो उसको हम क्या देते हैं, एटेनोलॉल टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वैसे हम नहीं करेंगे बट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। देखिए, ऑन असेसमेंट द नर्स फाइंड्स द पेशेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 90 mmHg। नर्स ने क्या किया, असेसमेंट किया, और असेसमेंट में क्या किया, ब्लड प्रेशर चेक किया। ब्लड प्रेशर जैसे चेक करती है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, 90 mmHg आ रहा है। द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन वुड बी, अब यहाँ पे क्या आपका नर्सिंग एक्शन रहेगा, ये आपको पूछा गया है, ये आपका सवाल है, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड सवाल तो आगे आया है। पहले तो डॉक्टर का था कि डॉक्टर ने एटेनोलॉल प्रेस्क्राइब की, आपने क्या किया, असेसमेंट किया, नर्स एज नर्स आपने असेसमेंट किया, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg आया, अब आपका एक्शन क्या रहेगा, ये आपको पूछा गया। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ, विथहोल्ड दैट ड्रग एंड नोटिफाई द प्रिस्क्राइबर। अगर 90 mmHg, मतलब पर्सन जो है वो हाइपोटेंशन में जा रहा है, पेशेंट था हाइपरटेंशन का, अब वो हाइपोटेंशन की कंडीशन में जा रहा है, तो क्या करना है, जो ड्रग है उसको स्टॉप कर देना है और जो भी प्रेस्क्राइबर है या फिर फिजिशियन है उसको नोटिफाई कर देना है। तो ये आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टी वेव इन ECG रिप्रेजेंट, आपको बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया कि जो ECG के अंदर टी वेव होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। देखिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ, PQRS and T, ये तीन आपने अलग अलग जो है ECG के अंदर पढ़े होंगे। PQRST आपने अच्छे से ECG में देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, नॉर्मल ECG भी आपने देखी होगी। सबसे पहले आता है आपका P, तो ये जो P होता है वो रिप्रेजेंट करता है AD, AD मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन, एंड जो QRS है ये रिप्रेजेंट करता है VD मतलब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एंड एकमात्र टी वेव होती है जो रिप्रेजेंट करती है VR यानी कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। बिल्कुल सिंपल सी ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, P AD QRS VD T, बच गया आपका VR, मतलब ये एक रिपोलराइजेशन का है, बाकी जो दो है वो डीपोलराइजेशन के है, तो AD VD VR, इस प्रकार से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं बिल्कुल रटाफिकेशन किए बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ एसिड अटैक बर्न ऑन हिज फेस एंड आइज, एक पेशेंट एडमिट हुआ है जो कि एसिड अटैक से सफ़र हुआ है, मतलब एसिड अटैक हुआ है जिसकी वजह से उसका फेस जल गया, उसके आइज भी बर्न हो गई। अब देखिए वो एडमिट हो गया, आगे क्या पूछा जा रहा है, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट इज ग्रेट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, नर्स को पता है कि इस पर्सन को कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, नर्स को पता है तभी तो वो आंसर करेगी, अगर पता ही नहीं होगा तो वो तो गलत आंसर करके आएगी। देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ ग्लूकोमा, यानी कि जो भी नर्सिंग ऑफिसर है उनको पता होता है कि अगर एसिड अटैक हुआ है और फेस और आइज बर्न हुई है तो इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, ग्लूकोमा की कंडीशन जो है उस पर्सन को डेवलप हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाइल डूइंग बेड साइड राउंड्स, यानी कि नर्स जो है वो बेड साइड राउंड कर रही है, नर्स पोस्टेड है कहाँ पे, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी वार्ड के अंदर, और वहाँ पे एक 5 साल के बच्चे को देख रही है, बेड साइड राउंड कर रही है नर्स और 5 साल के बच्चे को देख रही है पीडियाट्रिक यूरोलॉजी वार्ड में, उसकी ड्यूटी लगाई गई है। अब आगे देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ऑन बींग आस्ड अबाउट चाइल्ड मेडिकल हिस्ट्री, जब नर्स मेडिकल हिस्ट्री पूछती है बच्चे की, तो बच्चे की जो माँ है वो कहती है, चाइल्ड्स मदर सेड दैट द चाइल्ड हैड रिसेंटली हैड स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब रिसेंटली अभी बच्चे को क्या हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, ये मेडिकल हिस्ट्री आपने पूछी तो उसकी माँ ने ये आपको रिसेंटली जो भी डिजीज कंडीशन उसको डेवलप हुई थी उसके बारे में आपको बता दिया। सी आल्सो रिपोर्टेड पेरी ऑर्बिटल एंड फेशियल एडिमा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड हिमेचूरिया, साथ ही साथ
ये कंडीशन भी आपको बताई जा रही है कि पेरी ऑर्बिटल एंड फेशियल एडिमा इस बच्चे को हुआ है, यूरिन आउटपुट जो है वो इसका डिक्रीज हुआ है, साथ ही हिमेचूरिया की कंडीशन भी इस बच्चे को डेवलप हुई है। द चाइल्ड ब्लड प्रेशर वाज, अब आपने क्या किया, ब्लड प्रेशर उस बच्चे का आपने मेजर किया, ब्लड प्रेशर जो है वो 156/98 यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर इस बच्चे का आ रहा है। अब देखिए MMHG एंड लैब इन्वेस्टिगेशन शोड इंक्रीज्ड ब्लड यूरिन नाइट्रोजन लेवल, साथ ही साथ ब्लड इन्वेस्टिगेशन जब इस बच्चे की गई तो उसमें यूरिया नाइट्रोजन, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है BUN का लेवल है वो बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, एंड क्रिएटिनिन लेवल ये भी बढ़ा हुआ है, साथ ही साथ जो एंटी स्ट्रिप्टोलाइसिन ओ टाइटर है वो भी बढ़ा हुआ है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के बाद सिंपल से सवाल क्या पूछा जा रहा है, बेस्ड ऑन दीज इनपुट्स ये जो कुछ भी आपने रामायण पढ़ी है इसका सार बता दीजिए, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, कौन सी बीमारी इस बच्चे को हो रही है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है ये आपको सिंपल सा पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अभी हमने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पहले भी क्वेश्चन देखा है, वहाँ पर एडिमा हाइपरटेंशन, देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है, हाइपरटेंशन हो रखा है, और इन्होंने जो है अभी रिपोर्ट भी की है कि पेरी ऑर्बिटल एंड फेशियल एडिमा हुआ है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हुआ है, हिमेचूरिया, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक जो करेक्टरिस्टिक और बताना था वो क्या था, हिमेचूरिया। तो देखिए दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अभी एक GCSE स्कोर का भी आएगा, और ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ से अगर आपने दो बार ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो अच्छे से आपने इस क्वेश्चन को फिर से देख के आपने सॉल्व कर दिया होगा, हिमेचूरिया। तो यहाँ पे देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन इस बच्चे को जो है डेवलप हो रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर एक नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, सप्लाई ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट इन प्लेस ऑफ कॉमन साल्ट, जहाँ पे कॉमन साल्ट यूज लिया जाता है वहाँ पर भी आयोडाइज्ड साल्ट जो है उसकी सप्लाई हो, इसका यही एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 30 साल का पर्सन है और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने के बाद में उसका एग्जामिनेशन होता है, जो ट्रायज नर्स है उसने नोटिस किया कि उस पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 36 पर मिनट है, एंड ही हैड नॉन प्रोडक्टिव कफ, और उस पर्सन में नॉन प्रोडक्टिव कफ जो है वो कंडीशन भी उसमें डेवलप हो रखी है, हिस्ट्री जो है उसकी वो रिसेंटली कॉमन कोल्ड की रही है, मतलब जुकाम भी उसको रहा है। आफ्टर लंग ऑस्कल्टेशन एंड एनालिसिस ऑफ एग्जामिनेशन फाइंडिंग, जब उसके लंग्स को ऑस्कल्टेट किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, सी सस्पेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अस्थमा, मतलब जब आप ऑस्कल्टेट करके और एनालाइज करते हैं उसकी कंडीशन को, तो कंडीशन उसमें डेवलप हो रही है किसकी, अस्थमा की, कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है, अस्थमा की। अब देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लंग ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग सजेस्ट दैट दे हैव ब्रोंकियल अस्थमा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी फाइंडिंग आपने देखी होगी, कौन सी फाइंडिंग आपने ऑस्कल्टेट की होगी जिसको देख के आपको ये पता चला कि इस पर्सन को ब्रोंकियल अस्थमा ही हो रखा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, व्हीजिंग साउंड आपने पढ़ा होगा अस्थमा का क्लिनिकल फीचर है, करेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो है व्हीजिंग साउंड, ये एक्सपायरेटरी व्हीजिंग साउंड जो है वो अस्थमा में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए आपको राइट आंसर करना था इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी व्हीजिंग साउंड, मतलब व्हीजिंग साउंड जो है एक्सपायरेटरी और इंस्पायरेटरी दोनों ही ब्रीदिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान जो विजिंग साउंड होगी वो देखने को मिलेगी आपको ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है जो इमरजेंसी वार्ड के अंदर आया है एंड नंबनेस हो रखी है, वीकनेस हो रखी है वन साइड ऑफ हिज बॉडी, एक साइड की बॉडी के अंदर वीकनेस और नंबनेस हो रखी है, स्लर्ड स्पीच बिल्कुल वो बोलने में एबल नहीं है ज़्यादा, डिफिकल्टी इन वॉकिंग एंड डिजीनेस, थकान सी रहती है और वो चलने फिरने में भी उसको दिक्कत हो रही है, डिफ़िकल्टी है। आफ्टर टेकिंग सीटी स्कैन, इस पर्सन की सीटी स्कैन की जाती है, द डॉक्टर डायग्नोस, डॉक्टर ने डायग्नोस किया है कि इसको एम्बोलिक स्ट्रोक हुआ है, क्या हुआ है, एम्बोलिक स्ट्रोक हुआ है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्लेसेज द क्लाइंट एट रिस्क ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक, ऐसी वो कौन सी कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से इस पर्सन को थ्रोम्बो एम्बोलिक स्ट्रोक हुआ है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से ये कंडीशन उस पर्सन के अंदर डेवलप हुई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टार्सल बोन इज मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड, यहाँ पे सवाल में पूछा जा रहा है कि जो टार्सल बोन होती है उसमें मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर होता है, तो किस जगह का होता है,
ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टार्सल बोन के अंदर जो कैल्कनस बोन है, कैल्कनस बोन में मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया अनसेफ ड्रिंकिंग, मतलब इंडिया के अंदर अगर अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर कर रहे हैं या फिर बेसिक सैनिटेशन की कमी है तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर अच्छे से अपनी साफ सफाई नहीं रख रहे हैं और गंदा पानी पी रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपको पूछा गया, डायरियल डिजीज कंडीशन और कॉलेरा की कंडीशंस जो है वो पर्सन्स के अंदर डेवलप होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाइल्ड रिकॉर्डिंग अ वेट ऑफ 2 ईयर ओल्ड बॉय ऑन WHO ग्रोथ चार्ट, नर्स नोट्स दैट वेट कर्व इज बिलो -2 SD, द नर्स इंटरप्रेट दिस एज। ये एम्स नॉर्थ सेट में भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। अभी रिसेंटली जो नॉर्थ सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था, हालांकि वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी। देखिए, अकॉर्डिंग टू मतलब जो WHO ग्रोथ चार्ट है उसके ऊपर 2 साल के एक बच्चे की वेट रिकॉर्डिंग की जा रही है और उसमें और जो वेट कर्व है वो -2 SD या फिर below 2 SD जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये किसको इंटरप्रेट करता है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, अंडर न्यूट्रिशन। अगर below -2 SD है वेट कर्व है तो ये किसको इंटरप्रेट करेगा? अंडर न्यूट्रिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन फिर से उसी प्रकार का है जिस प्रकार से अभी पूछा गया है। एक 2 साल का बच्चा है और वो पीडियाट्रिक OPD के अंदर आया है, कंप्लेन उसकी रही है फेलियर टू थ्राइव की, FTT की कंडीशन उस बच्चे को डेवलप हो रखी है। अब देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है, जब आपने असेसमेंट किया तो नर्स ने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे का वेट है वो less than 3 SD है, तो एज पर WHO ग्रोथ चार्ट MUAC एंड जो MUAC है वो less than 11 cm है, वॉट वुड द नर्स सस्पेक्ट फॉर दिस चाइल्ड। देखिए नर्स ने क्या किया, असेसमेंट किया, बच्चा है FTT का तो जो है वेट जो है वो less than 3 SD है और जो MUAC है मतलब मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है वो less than 11 cm है, तो ये बच्चा किस बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो ये किस बीमारी से सस्पेक्ट है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। देखिए जो MUAC है वो अगर less than 11 है मतलब क्या है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, और यहाँ पे वेट भी कितना है less than 3 SD, वहाँ पे बात हो रही थी -2 SD की, तो वहाँ पर भी क्या है -2 SD में क्या बताया था आपने अभी अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब ये कोई सीवियर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं है, अंडर न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 3 SD एंड MUAC 11 सेंटीमीटर से लेस देन, ठीक है, तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन आपको राइट आंसर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CDC रिकमेंड चिल्ड्रंस गेट 2 डोज ऑफ MR वैक्सीन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डोज 8-12 through 15 months ऑफ एज एंड द सेकेंड डोज 8। देखिए यहाँ पे CDS ने रिकमेंड कर रखा है कि MR वैक्सीन की बच्चों को 2 डोज लगनी चाहिए। अब देखिए पहली डोज जो है वो बच्चे ने 12 से 15 महीने पे लगवाई है, तो दूसरी डोज कब वो लगवाएगा, इस प्रकार से आपको सवाल पूछा गया कि सेकेंड डोज कब लगेगी। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, 4 to 6 years ऑफ एज, 4 से 6 साल की एज पे उस बच्चे के सेकंड डोज लगेगी। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन से आप दूसरा क्वेश्चन फाइंड आउट इजीली कर सकते थे और दोनों के दोनों आप सही कर सकते थे। वैसे ही एक GCS यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल का सवाल पहले पार्ट में हमने बताया, अब वहीं वैसा ही क्वेश्चन GCS का फिर से पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक पेशेंट है जिसका नाम ABCD है, एज उसके 28 साल है और इसके सीरियल नंबर है जो कि यहाँ एडमिट हुआ है, इसका GCS स्कोर आपने चेक किया तो आई ओपनिंग जो रेस्पॉन्स है वो ओपन हुई है पेन के साथ में, तो आपने 2 नंबर दे दिए। वर्बल रेस्पॉन्स इसका है इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो है वो यूज़ कर रहा है, तो ये 3 नंबर आपने स्कोर दे दिए। मोटर रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपने, या फिर एबनॉर्मल फ्लेक्शन जो है उस पर्सन में देखने को मिल रहा है, 3 नंबर आपने दे दिए, मतलब टोटल जो GCS स्कोर है वो कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है कि जो पेशेंट है उसने अभी रिसेंटली जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपने आप को एडमिट किया है और उस पेशेंट की हिस्ट्री है हेड इंजरी की, नर्स इन द ER मेक्स टू क्विक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड द पेशेंट यूजिंग ग्लासगो कोमा स्केल, मतलब जो नर्स है
उसने न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में क्या चेक किया, ग्लासगो कोमा स्केल। तो ये फाइंडिंग उस नर्स को देखने को मिली। तो ये जो फाइंडिंग आपको असेसमेंट में मिली है ये आपको टेबल में दे रखी है। इससे आप क्या इंटरप्रेट करते हैं, इससे आप क्या समझते हैं, फिर इसका क्या मतलब है, इसमें जो जी सी एस स्कोर दिया गया है इससे आपने क्या समझा है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, मतलब इस पर्सन को क्या हुआ है, सीवियर ब्रेन इंजरी हुई है जिसकी वजह से इसका जी सी एस स्कोर कितना आया है, 8 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए पेशेंट वाज प्रेजेंटेड टू द पीडियाट्रिक ओपीडी। देखिए पर्सन पेशेंट है जो पीडियाट्रिक ओपीडी में आया है, उस पर्सन को फीवर, मेलाइज, कोराइजा एंड कफ एंड कंजक्टिवाइटिस, मतलब 3 C इस पर्सन में देखने को मिल रहे हैं, कोराइजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस, साथ साथ फीवर एंड मेलाइज भी देखने को मिल रहा है। देर वी आर स्मॉल रेड स्पॉट्स। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं कि जो स्मॉल रेड स्पॉट्स एंड ब्लूश वाइट जो है रेड स्पॉट्स वो सेंटर में देखने को मिल रहे हैं, रेड बेस लोकेटेड ऑन द बकल म्यूकोजा, जो बकल म्यूकोजा है वहाँ पर रेड कलर के जो स्पॉट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नर्स ने ये फाइंडिंग क्या कर ली है, डॉक्यूमेंट कर ली है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, स्पॉट्स की बात आते ही सेंटर्ड की बात आ गई, यहाँ पर रेड स्पॉट्स हो रखे हैं और सेंटर्ड में हो रखे हैं, बकल म्यूकोजा में हो रखे हैं, मतलब पर्सन को क्या हुआ है, मिजल्स हुआ है। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछा जा रहा है, देखिए जो ब्लूश वाइट और जो रेड स्पॉट्स हो रखे हैं ये बकल म्यूकोजा में हो रखे हैं, मतलब क्या हुआ है, कॉप्लिक स्पॉट। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट आर द स्पॉट्स कॉल्ड एंड व्हाट इज द स्पॉट्स इंडिकेटिव ऑफ, मतलब इन स्पॉट्स को क्या कहेंगे, कॉप्लिक स्पॉट, एंड ये किसको कौन से पर्संस में या फिर किस बीमारी में देखने को मिलते हैं, मिजल्स में। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर जो है वो आपको राइट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए शॉर्टन पी आर इंटरवेल स्लरिंग कॉल्ड ए डेल्टा वेव ऑफ द इनिशियल क्यू आर एस डिफ्लेक्शन एंड प्रोलॉन्ग क्यू आर एस ड्यूरेशन आर करेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए शॉर्ट एंड क्यू आर एस सॉरी पी आर इंटरवेल जो है वो शॉर्ट है और स्लरिंग है, यानी कि डेल्टा वेव इसको बोल सकते हैं, क्यू आर एस डिफ्लेक्शन हो रखा है एंड क्यू आर एस ड्यूरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग है, तो ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकेंड, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का। ये वैसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको आप स्किप कर दिया करो, नेगेटिव मार्किंग रहती है। सो जो क्वेश्चंस भी आपको नहीं आए, जब भी नहीं आए उस क्वेश्चंस को आप स्किप कर दिया करो, जो आ रहे होते हैं उनको आप अटेंड किया करो। तो यहाँ पे वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडियल टाइम व्हेन द नर्स आस्क द पेशेंट टू बियर डाउन ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि जो बियरिंग डाउन होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, उस दौरान जो आइडियल टाइम होता है नर्स उस पेशेंट को बताती है तो क्या बताएगी। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन सॉरी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, व्हेन द फिटल हेड स्टार्ट टू डिस्टेंड द पेरिनियम, मतलब जो सेकंड स्टेज है वो कब स्टार्ट होगी, जब फिटल हेड जो है वो डिस्टेंड होना स्टार्ट हो जाएगा पेरिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अपन फास्ट करते हैं इसको। देखिए लीडरशिप स्टाइल जो अडेप्ट की जाती है, क्रूशियल डिसीजंस लिए जाते हैं जिसमें नीड टू मेड द स्पॉट व्हेन डीलिंग द एक्सपीरियंस्ड एंड न्यू टीम मेंबर्स एंड देर नो टाइम टू वेट फॉर टीम मेम्बर्स गैन फेमिलियरिटी विथ रोल इज नॉन एज, मतलब आपको यहाँ पे कुल मिला के जो लीडरशिप की डेफिनेशन है वो कम्प्लीटली दे रखी है और आपको ये पूछा जा रहा है कि किस टाइप की लीडरशिप है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए पार्ट ऑफ कोलोन दैट एब्जॉर्ब द रिमेनिंग वाटर एंड अदर की न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिबल मटेरियल सॉलिडिफाइंग इट इज़ फॉर्म स्टूल इज। देखिए जो कॉलोन है वहाँ पे जो भी रिमेनिंग वाटर्स होता है, जो भी रिमेनिंग अदर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी इनडाइजेस्टेबल मटेरियल होता है उन सभी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो किस जगह पे होता है, ये आपको सिंपली पूछा गया। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था असेंडिंग कॉलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे दो एक केस और एक कंट्रोल दिया गया है, केस और कंट्रोल में यहाँ पे एक्सपोज, नॉट एक्सपोज, एक्सपोज एंड नॉट एक्सपोज, और यहाँ पे है पॉपुलेशन, मतलब ये रिसर्च का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द स्टडी डिजाइन, ये जो डिजाइन स्टडी डिजाइन दी गई है पिक्चर में इसको आइडेंटिफाई आपको करना था। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, केस कंट्रोल स्टडी। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे आपको केस दे रखा है, एक तरफ कंट्रोल दे रखा है और एक तरफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से आप केस
फाइंड आउट कर रहे हैं कैसे इसको कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें आपने की, तो ये क्या होगी, केस कंट्रोल स्टडी की पिक्चर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नर्स है जो कि हेड है और वो अपना वर्क कर रही है विथ हर फ्रेंड्स ऑन ए बस, बस के अंदर अपने दोस्त के साथ में वो वर्क कर रही है। सडनली शी नोटिस ब्लड कमिंग फ्रॉम देयर फ्रेंड्स नोज। अब देखिए, सडनली उस नर्स ने क्या किया, अपने जो फ्रेंड्स है, अपना जो दोस्त है, उसको नोटिस किया, उसको देखा, तो उस दोस्त के नोज से क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था, मतलब एपिस्टाक्सिस इसको डेवलप हुई है। क्या हुई है, एपिस्टाक्सिस, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो एपिस्टाक्सिस इस टर्म को बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया कि नर्स यहाँ पे कौन सा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट यूज करेगी इस सिचुएशन में, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन थर्ड, पिंच द नोज एंड मूव फॉरवर्ड, यानी कि लीन फॉरवर्ड पोजीशन आपको देनी है एंड नोज को पिंच करके रखना है, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए तब तक आपको पिंच करके रखना होता है, तो ये फर्स्ट लाइन आपका मैनेजमेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक वुमन है जो पीडियाट्रिक ओपीडी में आई है और 2 साल के अपने बच्चे को लेकर आई है और वो कंप्लेन कर रही है सडन स्टॉपेज ऑफ ब्रीथ इन द चाइल्ड इनिशियली बाय प्रोएक्टिव इवेंट, मतलब इस बच्चे में जो ब्रीदिंग है वो सडनली स्टॉप हो जाती है कुछ समय के लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स, ये जो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स है इनके रिगार्डिंग सारे के सारे सही है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दे अकरिंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, मतलब इंस्पायरेशन के दौरान ऐसा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। साइनोसिस मे एंड मे नॉट अकर, साइनोसिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिल्कुल इसकी वजह से होता है। दे आर इन्वॉलेंट्रली, मतलब आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस पर, ये इन्वॉलेंट्रली होता है, बिल्कुल सही है। ब्रेडिकार्डिया में अकर, ब्रेडिकार्डिया में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये तीन ऑप्शंस तो आपके क्या है, सही है, एक जो नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स जो है वो प्लान कर रही है पोस्टमार्टम मदर को टीचिंग के लिए प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट, मतलब जो ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट है उसके प्रिवेंशन को, प्रिवेंशन के रिगार्डिंग टीचिंग देने वाली है नर्स पोस्टमार्टम मदर को। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड द नर्स इंक्लूड हर टीचिंग प्लान, मतलब नर्स जब उसको बताएगी कैसे ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट से प्रिवेंट कर सकते हैं इस प्रकार से जो भी टीचिंग देगी, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे उस टीचिंग प्लान में यूज़ करेगी। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, ब्रेस्ट फीड द न्यू नेट एट रेगुलर इंटरवल, कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे को रेगुलर इंटरवल से करवाते रहना है जिससे ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट से अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये टीचिंग उस महिला को ये नर्स देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नर्स है जो पीडियाट्रिक इम्यूनाइजेशन क्लिनिक में पोस्टेड है, उसने नोटिस किया कि जो बच्चा है वो वेरी एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स ऑन द प्ले रूम, और वो स्टेयर्स पे मतलब जो भी प्ले रूम है उसमें क्लाइंबिंग करा है स्टेयर्स पे, साथ साथ वॉकिंग फॉरवर्ड एंड टर्निंग पेजेज इन बुक्स, अपने जो बुक्स है उनके पेज जो भी होते हैं उनको टर्न मतलब चेंज कर रहा है, साथ साथ वो घूम भी रहा है इधर उधर। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन को आपने क्या किया, देखा उस बच्चे में देखा, वॉट में भी अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ चाइल्ड, अब आपको ये पूछा जा रहा है कि ये जो कुछ भी आपने उस बच्चे में फाइंड आउट किया, उस बच्चे में आपने ऑब्जर्व किया, इस फाइंडिंग को देखने के बाद आपको क्या लगा कि ये बच्चा कितनी क्या एज का हो सकता है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, 18 to 24 months, यानी बच्चा जो है वो 2 साल का हो चुका है, 2 साल का बच्चा हो गया तो वो जो है सीढ़ियों पे भी चढ़ सकता है, वो खेल भी सकता है, वो वॉकिंग भी कर सकता है, बुक्स के पेज जो है वो इधर उधर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लीकेज ऑफ ब्लड बैकवर्ड थ्रू द मिडल वॉल ईच टाइम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट कॉन्टैक्ट इज नॉन एज, देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है, किसकी डेफिनेशन है, ये सिंपली आपको पूछी गई है, यहाँ पे आपको आंसर में करना था मिडल रिगर्जिटेशन, मतलब जो ब्लड है वो बैकवर्ड हो रहा है कब, मिडल वॉल से एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब हार्ट कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो लीकेज हो रहा है ब्लड बैकवर्ड, ये इसको किस नाम से जानते हैं, ये आपको सिंपली पूछा गया, तो यहाँ पे इसको आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, मिडल रिगर्जिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट हैज़ एन इन्फेक्शन स्प्रेडिंग थ्रू ड्रॉपलेट्स, मतलब एक पेशेंट है जो इन्फेक्शन को स्प्रेड आउट कर रहा है किसके थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, नर्स जो है वो रेडी है चेक द क्लाइंट्स टेम्परेचर, नर्स जो है वो रेडी हो चुकी है कि पेशेंट का क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है, और पेशेंट क्या कर रहा है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा है, एक दूसरे को बांट रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स टू यूज़ टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इस इन्फेक्शन को स्प्रेड आउट होने से कंट्रोल करने के लिए नर्स क्या यूज़ करेगी। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट मास्क, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड आउट कर रहा है, तो मास्क लगा लीजिए ताकि जो है ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड आउट ना हो, तो ये प्रिवेंशन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है मास्क वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए न्यूली एडमिट क्लाइंट, एक न्यूली एडमिट क्लाइंट है और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए नर्स क्या है तैयार हो रही है। अब देखिए, द नर्स असेसमेंट ट्रे शुड कंटेन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, नर्स ने असेसमेंट ट्रे के अंदर चेक किया तो सारे के सारे कंटेंट उसके अंदर मिले एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन थर्ड फंडोस्कोप की, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर आप लेंगे इसके लिए, स्पाइगमो मैनोमीटर की आपको ज़रूरत है, थर्मोमीटर की आपको ज़रूरत है टेम्परेचर चेक करने के लिए, स्टेथोस्कोप की आपको ज़रूरत है, जो ब्लड प्रेशर जब आप लेंगे तो आपको स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये तीन जो है ये असेसमेंट ट्रे के अंदर आपके होने चाहिए, फिजिकल असेसमेंट आप जब कर रहे हैं, एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फंडोस्कोप है ये आपको ज़रूरत यहाँ पे इस ट्रे के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डाउन सिंड्रोम इज ए कंजेनाइटल क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी इज ऑल्सो नॉन एज, देखिए जो डाउन सिंड्रोम है वो एक कंजेनाइटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है जिसको किस नाम से जाना जाता है, ट्राइसोमी 21। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ट्राइसोमी 21 के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देर आर वेरियस टेक्निक्स दैट आर यूज टू प्रिवेंट फूड एंड प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग, मतलब जो भी फूड्स से या फिर फूड्स को प्रिवेंट करने के लिए जो स्पॉइलिंग यूज ली जाती है उसमें अलग अलग टेक्निक्स यूज लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट मेथड, इनमें से कौन सा एक बेस्ट मेथड और मोस्ट कॉमन मेथड है जो हम यूज लेते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IMR यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट द रेशियो ऑफ डेथ अंडर वन ईयर ऑफ एज टू, मतलब जो IMR है उससे हम वन ईयर से बिलो या फिर जो भी अंडर वन ईयर ऑफ एज है उनके डेथ के रेशियो को हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं, मतलब IMR से। तो यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेंगे, ए रेट ऑफ 1000 लाइव बर्थ, यानी 1000 लाइव बर्थ में कितने क्या बच्चों की डेथ हुई जो कि एक साल से नीचे के थे, उनकी कितने क्या डेथ हुई उससे हम कैलकुलेट करते हैं IMR। ठीक है, MMR अगर आपको पूछते हैं तो 100000 लाइव जो है आपको, मतलब 100000 से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, तो वहाँ पे MMR पूछते तो 100000 लाइव आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता, लेकिन यहाँ पे पूछा आपको IMR, तो यहाँ पे आपको 1000 लाइव बर्थ्स जो है राइट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए ट्यूमर ऑफ एड्रेनल मेडुला यानी कि फियोक्रोमसाइटोमा इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ विच हार्मोन, एक ट्यूमर हुई है एड्रेनल मेडुला में यानी कि इस कंडीशन को बोलते हैं फियोक्रोमसाइटोमा, तो इसकी वजह से कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फोर्थ एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा फियोक्रोमसाइटोमा की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स मैनेजर जो है वो कंपेयर कर रही है एक्चुअल रिजल्ट को ऑफ द बजट विद द प्रोजेक्टेड रिजल्ट ऑफ द बजट, जो प्रोजेक्टेड रिजल्ट ऑफ बजट है उससे एक्चुअल रिजल्ट ऑफ बजट के अंदर कंपेयर कर रही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट बजटिंग प्रोसेस, ये कौन सी बजटिंग प्रोसेस कहलाती है, फिर कौन सी बजटिंग प्रोसेस है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रुप ऑफ सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई विद इन द ब्रेन कॉल्ड बेसल गैंग्लिया हेल्प ए पर्सन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन, देखिए जो सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाइज है उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, बेसल गैंग्लिया कहते हैं, जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हेल्प करते हैं पर्सन के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ये हेल्प करते हैं, ये आपको सिंपली पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करना और परफॉर्म करना किसका काम होता है, जो भी यहाँ पे बेसल गैंग्लिया होते हैं इनका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक टर्मिनली इल पेशेंट है जो कि 70 साल का है और ये ओल्ड लेडी है, मतलब महिला है, और इसको डर है किसका, फियर ऑफ बीइंग अलोन, मतलब इसको अकेलेपन से डर लगता है, एंड कंस्टेंटली वांट्स समवन नियर हर, और इसको ऐसा भी लगता है कि मेरे पास कोई ना कोई है, ऐसा इसको डर लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, तो नर्स यहाँ पे कौन सा एक्शन लेगी जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा इस पर्सन के लिए ताकि इसको लोनलीनेस, मतलब अकेलापन इसको महसूस ना हो। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, प्लान टू स्पेंड मोर टाइम विथ हर होल्डिंग हर हैंड्स
एंड लिसनिंग टू हर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्सन को समय देना है, उसकी बातों को सुनना है और उसको अच्छे से समझाना है, मतलब पर्सन को अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, ए लीडर कैन बी इफेक्टिव इन वन सर्कमस्टांस एंड कैन बी इनइफेक्टिव इन अनदर सर्कमस्टांस, मतलब जो लीडर होता है वो क्या करता है, इफेक्टिव होता है एक सर्कमस्टांस के लिए और वो इनइफेक्टिव होता है अनदर सर्कमस्टांस के लिए। ये जो लीडर की एबिलिटी है जिसको अडेप्ट कर दें, विच कैन बी देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन वर्क प्लेस, ये वर्क प्लेस के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। दिस कैटेगरी ऑफ लीडरशिप इज नोन एज, ये इस प्रकार की जो लीडरशिप होती है इसको क्या कहते हैं, ये आपको पूछा गया। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, कंटीजेंसी लीडरशिप, मतलब लीडरशिप के यहाँ पे दो सवाल पूछे गए, एक में आपको ऑथोरिटेरिक लीडरशिप की कंप्लीट डेफिनेशन दी गई थी, यहाँ पे कंटीजेंसी लीडरशिप की कंप्लीट डेफिनेशन पूछी गई है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी आप वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट जल्द से जल्दी मिलते रहे। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लोकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फ्लामेशन एक्सेप्ट, मतलब जो लोकल मैनिफेस्टेशन है जो इन्फ्लामेशन के अंदर देखने को मिलते हैं एक को छोड़कर, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था इंक्रीज WBC काउंट, इंक्रीज WBC ये एक गलत है। बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, रेडनेस, वार्म्थ एंड पेन, ये तीनों की तीनों कंडीशंस जो है वो इन्फ्लामेशन के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे अपने 100 क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बचे थे वो हमने सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई इश्यू हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक शेयर जरूर कर देना। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट UP UMS एंड CRPF का पेपर हम जल्द ही सॉल्व करेंगे, तो UP UMS एंड CRPF का पेपर भी हम जल्द ही सॉल्व करने वाले हैं, तो इन्हीं में से कोई एक पेपर आपको नेक्स्ट मिलने वाला है। फिर मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।